सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बेसिक। तो आज हम लोगों का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम लोग ट्रेन करने वाले हैं डे 1 का एक्सरसाइजेस, यानी मंडे का। तो इसमें हम लोग ट्रेन करने वाले अपने चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, हर एक मसल पार्ट के लिए हम लोग 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए जिम, मैं आप लोगों को वहाँ पर बाकी समझाता हूँ। और उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सके, क्योंकि इसी तरह का वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बाकी बातें जिम में करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को वार्म अप करना है। वार्म अप के बाद आप लोगों को कम से कम 30 से 40 पुशअप्स आप लोगों को वार्म अप में अपने ऐड करना है। उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है एक फ्लैट बेंच प्रेस। फर्स्ट फ्लैट बेंच प्रेस में स्टार्ट करने से पहले आप 1 या 2 वार्म अप सेट ले लें 5 to 6 रिपीटेशंस के। इसमें आप लो वेट का इस्तेमाल करके बाद हम लोग लेंगे 3 वर्किंग सेट 6 to 8 रिपीटेशंस का। और इसमें हम लोग वेट को ऐसा वेट सेलेक्ट करेंगे जिससे हम लोग 3 सेट एक ही वेट पर करना है हम लोगों को। ये एक अच्छा तरीका होता है स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले लो जाते हैं, उसके बाद हीवी जाते हैं, उसके बाद फिर हीवी जाते हैं। ये मेरे ख्याल से एक ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं होता है स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। रेस्ट आप लोगों को यहाँ पर 60 से 90 सेकंड्स का रेस्ट लेना है। उसके बाद हम लोगों को अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है, जो कि है बारबल ओवरहेड प्रेस। इस सेट में आप एक वार्म अप सेट ले लें विथ लो वेट, और उसमें हम लोग करेंगे 8 to 10 रेपिटेशंस का। उसके बाद हम लोगों को कैसे वेट सेलेक्ट करना है जिससे हम लोग 10 to 12 रेपिटेशंस कर सके। और आप लोगों को हमेशा फिर एक नेक्स्ट, और फिर हर सप्ताह थोड़ा सा आप वेट इंक्रीज करके करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने वीक 1 में किया है 10 reps का 30 kg के साथ, तो नेक्स्ट वीक मेरा टारगेट रहेगा 32.5 kg के साथ मैं 10 reps कर सकूँ। अब ट्राइसेप्स के लिए जो हम लोग अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है रोप पुश डाउन। इसका हम लोग 4 सेट लेंगे 12 से 15 रेप्स का। और लास्ट सेट में आप लोगों को थोड़ा सा फेलियर तक ले जाना है इसमें, क्योंकि एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसमें लोग रेस्ट लेंगे 60 सेकंड्स का। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लगा रहे हैं डंबल प्रेस इंक्लाइंड बेंच के ऊपर। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को फर्स्ट एक वार्म अप सेट ले लेना है 6 to 8 रेप्स का। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा वेट इंक्रीज करें और एक ऐसा वेट सेलेक्ट कर ले जिससे आप लोगों को बाकी का 4 सेट करना है, जिसमें आप लोग 10 से 12 रेपिटेशंस रखें। और हर सप्ताह आप लोगों को कोशिश करते रहना है कि थोड़ा थोड़ा वेट आप लोग करके इंक्रीज़ करते रहे। अगर आप लोग वेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज में, तो आप लोग थोड़ा सा रेपिटेशंस हाई कर दें, क्योंकि एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। तो हम लोग इसमें रेस्ट लेंगे 60 से मैक्स 90 सेकंड्स तक का। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लोगों को वाटर 2 से 3 सेट के बाद पीते रहना है, ताकि आप जिम में हाइड्रेटेड फील कर सकें। उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज लगा रहे हो, साइड लैटरल रेजेस सुपर सेट कर रहे हैं हम लोग इसको फ्रंट रेजेस के साथ। इसमें हम लोग रेस्ट लेंगे 90 सेकंड्स इन बिटवीन द सेट्स। और दोनों एक्सरसाइज आप लोगों को ख़त्म करना है। पहले हम लोग साइड लगाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्रंट लगाएंगे। इसमें आप लोगों को थोड़ा लो वेट ही रखना है, और जिससे आप लोग 15 से 20 रिपीटेशंस तक ले जाए। और कोशिश करें कि आप लोग इसमें लास्ट सेट को थोड़ा सा फेलियर तक ले जाए, मतलब 4th सेट को अपना। अब जो अगली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो है बार पुश डाउन, और इसको हम लोग करना है 4 सेट 15 to 20 रेप्स का। इसमें आप लोगों को लास्ट सेट इसका भी फेलियर तक ले जाए और रेस्ट ले 90 सेकंड्स करके। आज का पुश डे का दिन का जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन डिप्स। इसके आप लोगों को 40 से 50 रेप्स ओवरऑल करना है। एक सेट में आप 10 से 12 रेप्स कर सकते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ जल्दी, तब तक लाइक, टेक केयर।